वो पूरा काइट मार्केट का मार्केट है और ये मेरी पहली दुकान यहाँ से जो तो भाई ये रही अपने सिद्धू भाई की पतंग और ये रही पूरा ये गोडाउन है पूरे पतंग का। और ये देखो भाई यहाँ पे कितनी सारी पतंग है, ये देखो गड्डी गड्डी लगी पड़ी है सारी पतंग। अच्छे अच्छे कमेंट करना तो उसके घर पे हम पतंग भिजवा देंगे। जिसकी कमेंट अच्छी लगी उस दीपा भाई को होगा 10 पतंग होगा, अच्छी कमेंट करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सालेईन, आई होप अल्लाह के शुक्र से आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली वही होने वाली है, आज मैं जाने वाला हूँ पतंग के मार्केट पतंग लेने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त बस सिर्फ 2 दिन और दूर रह गया है और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था पतंग लेने के लिए, और क्योंकि मैं कुछ वजह से जा नहीं पा रहा था तो मेरे को आज टाइम मिला और बाकी सब लोग भी जा रहे हैं, तो जल्दी से मैं चलता हूँ और बाकी मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ दिखाऊंगा कि कितने का प्राइस है पतंग वतंग का और पतंग लेनी चाहिए वहाँ से या नहीं लेनी चाहिए, वो बाकी मैं सब कुछ बताऊंगा। और अभी मैं नहाया नहीं हूँ तो अभी नहाते हैं और कपड़े वपड़े बदलते हैं फिर निकलते हैं माँ के लिए रास्ते के लिए। चलो ओ भाई अब हो गए हम फाइनली तैयार और मैंने पहन ली ब्लैक वाली टी शर्ट और पैंट भी पहन ली और जूते भी पहन लिए और बैग भी ले लिया है और मेरी चरकरी है बैग में, और चलो जल्दी से चलते हैं बाहर और बाहर चल के दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली अभी मैं पहुँच गया लोकेशन पे और ये लोग भी मिल गए यहीं पे। भाई कहाँ आ रहे हो? भाई पतंग लेने। भाई पतंग लेने पैसे लेके आए हो? मेरी GoPro की बैटरी खत्म हो गई यार, लोग रह गए। तो भाई अभी चलते हैं, अभी बस पकड़ते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहीं पे लोकेशन पे मिलेंगे डायरेक्ट और बस चलते हैं। तो भाई बस से तो उतर गए हम फाइनली, तो अभी हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक की मार्केट के पास, यहीं पहुंच गए। अभी अंदर चलना पड़ेगा मैं यहाँ से थोड़ा, फिर वहाँ से शुरू होएगी काइट मार्केट को, अभी चलते हैं सारे। तो अभी वहाँ पे सब लोग व्लॉग बना रहे हैं अपना और ये साथ भाई तो लटक रहे हैं पेड़ पर, तो अभी चलते हैं अंदर और फिर दिखाता हूँ आगे। चलो तो हमने ले ली थी कुल्फी और अभी खाते हैं कुल्फी, सबने कुल्फी ले रखी है। भाई अभी हमें मिलेगा यहाँ से रिक्शा और यहाँ से पकड़ना पड़ेगा रिक्शा आगे से, ये देखो आगे से रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से रिक्शा पकड़ के चलते हैं लाल कुएं के लिए पतंग लेने। फिर हम पहुँच गए चांदनी चौक और ये खड़े सारे रिक्शा वगैरह, अभी यहाँ से रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से और अभी चलते हैं सीधा वहीं से छोड़ेंगे पतंग की मार्केट में और चलते हैं सीधा चले। तो भाई अभी हम बैठ गए रिक्शा में और अंकल चला रहे हैं रिक्शा इधर और ये बैठे फैजान भाई और दोनों बंदर हमारे पीछे बैठे पड़े और वो भी ब्लॉग बना रहे हैं। और भाई देखो यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा सफाई, चांदनी चौक का रोड पहले से तो सुधर गया है यहाँ पे और अभी पूरा व्यू लेते हुए चल रहे हैं और पतंग की मार्केट पे छोड़ेंगे अंकल सीधा जाके और वहीं से थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा फिर वहाँ से पतंग लेते फिर आपको दिखाता हूँ जल्दी से। भाई अभी अंकल ने हमें यहाँ पे उतार दिया था तो अंकल ने बोला कि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता आगे चलना पड़ेगा थोड़ा, फिर वहाँ से काइट मार्केट दिखने लगेगी, तो अभी चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ काइट मार्केट में पतंग वगैरह। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं काइट मार्केट, यहाँ से जो पूरा मार्केट है वो पूरा काइट मार्केट का मार्केट है और ये मेरी पहली दुकान, यहाँ से जो पहली दुकान है, और तो अभी दिखाता हूँ, अभी चलता हूँ और अभी आगे चलिए सारी दुकानें कवर करेंगे और दिखाता हूँ आगे। चलो अपन इस दुकान में घुसते हैं, अभी इस वाली दुकान कवर करेंगे, छोटे भाई की दुकान है। चलो चलते हैं अभी अंदर अभी आप। तो भाई ये रही अपने सिद्धू भाई की पतंग और ये रही पूरा ये गोडाउन है पूरे पतंग का और ये देखो भाई यहाँ पे कितनी सारी पतंग है, ये देखो गड्डी गड्डी लगी पड़ी है सारी पतंगों की और यहाँ पे ये देखो भाई बहुत बड़ी बड़ी पतंग है अपने साइज की है, मैं आधा कवर हो जाऊंगा इतनी बड़ी पतंग है ये रही। और यहाँ पे डब्बे वब्बे सब रखे पड़े हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है अली दुकान में भाई ये रही है 300 की 50, ये यहाँ पे रेट लिख रखा भाई ने 300 की 50, ये भी 300 की 50, यहाँ पे ज्यादातर पतंग 300 की 50 ही मिल रही है और ये भी है 300 500 की 50 मिल रही है अली 500 की 50 और ये रही 300 की 50, हर जगह ज़्यादातर 300 की 50 ही 50 लगा रखे भाई ने, पैक कर रखे सारी पतंग और यहाँ पे भी ऊपर स्टॉक है और भाई पूरी पूरी दीवार पतंग की हो रखी है और यहाँ पे पूरा स्टॉक पड़ा है। अभी अपन ने पतंग ले ली है और अभी बस माँ ने लेना बाकी है, इन अंकल से हमने पतंग ले ली सारी अंकल ली आधे अंकल का सारा माल भिजवा दिया हमने भाई, अपन ने ले लिया पतंग, अभी हमें लेना बस माया और अभी आगे चलते हैं और बस चलो।
दुकान लगाएगा जिस हिसाब से इतने इतनी सारी पतंगे ली है ना। अरे अभी हम पतंग लेके मार्केट से बाहर आ गए, मेरी देखो भाई बहुत सारी पतंग ले ली, और साध भाई ने ले लिया गुब्बारा, ये भाई खेलते हुए चलने, और ये पीयूष भाई ने भी पतंग ले ली अपनी। चलते हैं घर के लिए निकल रहे हैं, अब घर जाके देखते हैं क्या है। अभी टाइम हो गया 5-6 बज रहे हैं, भाई बंदे पूछ रहे हैं कि इतनी पतंग का क्या करोगे, पहले बताओ। हमने गली में बच्चों को बांटेंगे भाई, सबका भला करेंगे भाई, पैसों में डोनेट करेंगे हम, डोनेट सबको डोनेट करेंगे भाई, डोनेट करेंगे। इसी बात पे भाई अच्छे अच्छे कमेंट करना, तो उसके घर पे हम पतंग भिजवा देंगे। जिसकी कमेंट अच्छी लगी उस जीवा भाई को होगा 10 पतंगों का, तो अच्छी कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो भाई अच्छे अच्छे। चलो भाई पतंग वतंग तो ले ली थी, तो भाई अभी कर रहे हैं अभी सब भाई पेट पूजा, तो फैजान तो अपना खा चुका पूरा। तो भाई वो रहा सामने लाल किला, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे मंदिर, और ये पीछे लाइट वगैरह जल रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी शाम हो गई ना तो अच्छा लग रहा है, हवा हवा भी चल रही है मस्त, और पतंग तो हम उड़ा नहीं पाएंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे घर से जाते जाते। तो घर पे चल के आपको दिखाता हूँ बाकी, तो मैं घर पे चल के बाकी दिखाता हूँ। यहाँ से हो रही है हमारी एग्जिट, यहीं से हम आए थे, एंटर हुए थे, अभी यहाँ से पार होते हैं, फिर वहाँ से पकड़ेंगे बस घर के लिए। तो चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो भाई न्यूज़ चल रही है भाई, यहाँ पे वो खुद के बंदे बुला के खुद ही लड़ते हैं यहाँ पे, ये देखो भाई पूरा पूरा यू कह रहा है हम लड़ते हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई अभी हम फाइनली बैठ गए हैं बस में बहुत देर के बाद, और चारों बैठ गए हैं, वो भी अपनी पतंग बीच में रखी पड़ी है, हमने पूरी सीट पे कब्जा कर रखा है। अब सीधा घर जाके मिलता हूँ आपको पतंग के साथ। तो भाई फाइनली बहुत ज़्यादा देर के बाद मैं आ गया हूँ घर पर वापस। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैरों में भी दर्द हो गया, मार्केट में चलते चलते बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर मार्केट में। तो भाई आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा भाई, अगर मार्केट में जाते हो तो अपनी जेब वगैरह फ़ोन वगैरह संभाल कर रखना, और भाई वहाँ पर पतंगों का कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस दिखा नहीं। तो भाई मैं 100 पतंग लेकर आया था, तो भाई जब मैं गया था तो मैं लेकर ही आ गया, और बाकी मैंने जो पतंग थी मैंने फैजान वगैरह को दे दी। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में 15 अगस्त वाली, तब तक के लिए बाय।